नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट तो हमारे चैनल के माध्यम से लगातार दोस्तों आप तक पहुंच ही रही होगी। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को एक गुड न्यूज हम दे दें कि जो हमारे मनोज मंजिल विधायक जी हैं, माले के विधायक हैं और काफ़ी अच्छा काम हमेशा करते रहते हैं। संदीप सौरभ के बारे में तो आप सभी को पता ही है कि वो भी एक ऐसे विधायक हैं जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर हमेशा सक्रिय रहते हैं, लेकिन मनोज मंजिल ने आज कमाल ही कर दिया है। दीपक सर से मिले हैं और प्रधान सचिव दीपक सर से मिलकर सातवें चरण शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को अविलंब खुलवाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। यहाँ पर ज्ञापन सौंपते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनसे मिले हैं और स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि भाई नियुक्ति की प्रक्रिया को अविलंब जो है वो खोला जाए और नियुक्ति प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाए। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि मनोज मंजिल को जो है यहाँ पे ज्ञापन सौंप दिया गया है। मनोज मंजिल ने ज्ञापन सौंप दिया है दीपक सर को और अब कहीं ना कहीं जल्द से जल्द शिक्षक अभ्यर्थियों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि हमारे विधायक जी जो हैं काफ़ी सक्रिय हैं और चाहे संदीप सौरभ हों चाहे मनोज मंजिल हों, सभी लोगों का सहयोग हमें लगातार मिल रहा है और इसी प्रकार का सहयोग अगर हमें मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द खुलेगी। तो देख सकते हैं दोस्तों स्पष्ट आप इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मनोज मंजिल ने यहाँ पे दीपक सर को जो है विज्ञापन जो है सौंप दिया है ज्ञापन, ठीक है। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा सा हमें जो ये लेटर मिला है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो मुझे जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर लिखा है मनोज मंजिल जो कि माले के विधायक हैं, इन्होंने दीपक सर से सातवां चरण शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को अविलंब खुलवाने के लिए कुछ मांगे भी रखी है। ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली हो और नियमावली 2023 जो है उस पर मुहर लगे, तो ये पत्र जो है उन्हें सौंपा है दे सकते हैं। और स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रधान सचिव दीपक सर, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने जो विषय है उस पर लिखा है कि सातवें चरण के शिक्षक बहाली जो है बिहार में लगभग 3 लाख शिक्षकों के पद जो हैं अभी तक खाली है, उन्हें भरा नहीं गया है, तो विभाग जो है एक्शन ले और नियुक्ति की प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाए, ऐसी मांगे जो है यहाँ पर रखी गई हैं। और कई सारे मांगे रखी गई हैं कि प्लस टू विद्यालय जो हो गया वहाँ भी शिक्षकों की कमी है, 80,000 से अधिक शिक्षकों के पद वहाँ भरे जाने हैं, 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में भरे जाने हैं। तो स्पष्ट रूप से सभी मांगों को यहाँ पे रखा गया है, आप देख सकते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से संदीप सौरभ ने ये मांगे, संदीप सौरभ ने भी पहले ये मांगे दीपक सर से रखी थी, लेकिन आज मनोज मंजिल ने बड़ा कमाल किया है, स्पष्ट रूप से तमाम मांगों को यहाँ पे रखा है। तस्वीरों के माध्यम से मैंने आपको स्पष्ट रूप से जानकारी दे दी है। तो भाई कहीं ना कहीं हमारे विधायक लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को अब कहीं ना कहीं निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी सहयोग बना के रखिए तो पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।